दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों हर एक रिलीजन में प्रार्थना करना या प्रेयर करना शामिल है। प्रार्थना यानी कि विशेष मकसद से रिक्वेस्ट करना। हम प्रार्थना किस लिए करते हैं? भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से प्रार्थना का रियल मीनिंग। मेरे मन में ये शंका है कि भाई अपन प्रार्थना करने से दूसरे के दुख दर्द दूर हो सकते हैं क्या? एक्चुअली प्रार्थना कैसे काम करती है? हाँ। समझ लो कोई बीमार है उसके हाँ। लिए आपने प्रार्थना की हे हाँ। भगवान भीतर वाले शुद्धात्मा को ही करो हाँ। या कोई भी आप भगवान की मान्यता है आपकी जो श्रद्धा है उन भगवान को याद करो तो हमारी भावना क्या करती है? पॉजिटिव भाव करते हैं इनको सुख शांति हो जाओ दुख मिट जाओ तकलीफ कम हो जाए। तो पॉजिटिव भाव से पॉजिटिव एविडेंस इकट्ठा होते हैं और पॉजिटिव एविडेंस से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ऐसे कोई डॉक्टर मिलेंगे कोई दवाई मिल जाएगी ऐसे निमित्त मिल जाएंगे हेल्प हो जाएगी शांति में। यानी पॉजिटिव भावना तो बहुत अच्छी बात है करनी ही चाहिए उसको प्रार्थना बोला जाता है। हम बच्चों को सुधारने जाते हैं उसके बदले प्रार्थना करो समझता नहीं कितनी बार बोला है बंद करो ये करो वो मत करो ऐसे नहीं इसको समझाओ और नहीं समझ पाता है तब तक प्रार्थना करो हे भगवान इनको ये सच्ची बात समझ में आ जाए ऐसी कृपा करो। तो प्रार्थना तो बहुत पावरफुल भाव शक्ति है उससे बहुत बढ़िया काम का रिजल्ट आएगा जरूर करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह और आज हम समझ रहे हैं प्रार्थना के बारे में। तो दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि प्रार्थना करने से क्या किसी के दुख दर्द दूर हो सकती है? प्रार्थना करके हम किसी को सुधार सकते हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है ना। चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। किसी को सुधारने के बारे में मेरा कुछ है। ये बच्चों के लिए बोलते हैं मैं बड़ों के लिए भी बोलता हूँ कि अपना कोई स्नेही जन अगर गलत रास्ते पे चला जाए कोई स्नेही जन अच्छा हो लेकिन बाद में किसी सोबत से दारू पीता हो जाए या इनकम से ज़्यादा खर्चा करता हो लोगों के पास पैसा बोरो करता हो तो उसको एक दो बार के थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए कि उसको सुधारने का कि तुम ये गलत कर रहे हो। बाद में अगर अपना प्रयत्न नहीं हो सकता है देन वी जस्ट गो बाय चाप और श्रद्धा से प्रेयर करो उसके लिए कि उसको कुछ भगवान सन्मति दे। प्रार्थना करना पर शुरुआत में तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है उसका सुधारने के लिए। यानी वो क्या होता है कि हम वो भगवान को कब प्रार्थना करते हैं जब हम कुछ कर नहीं सकते तब उसको छोड़ दे। पहले तो हम ही ईगो से सब करने जाते हैं जितना हमारे से हो सके उतना उल्टा पड़ के सर से चल के भी करने जाते हैं लेकिन जब कुछ नहीं होता है तब कहते हैं अभी भगवान तू संभाल। और जब तक नहीं उस हमारे से वो होएगा ऐसा लगता है तभी हम ही संभालेंगे ऐसा अपने आप में है ही नहीं क्या। आप प्रयत्न करो सहज रह के प्रयत्न करो विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। हमको इतना अंदर इफेक्ट हो जाती है सामने वाले को बिगड़ा हुआ देखकर हमको भुगतने का वो चालू हो जाता है फिर उसको सुधारने जाते वो कभी नहीं सुधार पाएंगे। हम अगर इमोशन वगैरह रहेंगे स्टेबल रहेंगे तो कुछ सुधरेगा। हम ही इमोशनल हो जाएंगे बात बात में अपसेट हो जाएंगे मैड हो जाएंगे और फिर उसको सुधारने के लिए कुछ कहेंगे तो कभी नहीं सुधरेगा। आप स्वस्थ रहोगे आपको कोई इफेक्ट नहीं रहेगी फिर आपका शायद सुधार सकोगे तो प्रेम से सुधार सकोगे और डांटने से नहीं समझा के प्रेम से। फिर भी गारंटी तो नहीं है कि वो सुधर ही जाएगा शायद सुधरे या ना ही सुधरे लेकिन हमारा प्रयत्न तो चालू रहना चाहिए क्या। प्रयत्न करो लेकिन एफर्टलेसली करो अहंकार से ना करो आग्रह दुराग्रह से मत करो असर लगा के मत करो
आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की। दोस्तों, कभी कभी संसार व्यवहार में कई लोग नाराज हो जाते हैं, उनका व्यवहार रुखा रुखा सा लगता है, तो क्या उसको करेक्ट करने का कोई तरीका है? क्या यहाँ पर प्रार्थना वर्क करेगी? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। संसार में व्यवहार के स्तर पे अगर जब लोग नाराज हो जाते हैं तो उनको कैसे मनाएं, उनसे शांति कैसे करें? मनाने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर ही बैठे हुए आत्मा को, शुद्ध आत्मा को प्रार्थना करो, प्रतिक्रमण करो, पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो। हमारे से कुछ दुख हो गया है, उसको गलत फहमी हो गई, जो भी कुछ हो गया है, जो नाराजगी हो गई उसके लिए हम माफी चाहते हैं, पश्चाताप करते हैं, जो भी गलती हुई है याद करके, और फिर ऐसा दोबारा हमें नहीं करना है, किसी को दुख नहीं दो दे। अंदर से ही हम मन में ही करते रहो, वही काम लगेगा। मनाने जाएंगे तो उसका अहंकार और बिगड़ेगा, कितनी बार मनाओगे, और नहीं माना तो आप और बिगड़ जाओगी, आप बिगड़ जाओगी। हाँ, हमें किसी को दोषी नहीं देखना है, चाहे वो हमारे से कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना करे। अगर कर्म की थ्योरी समझते हैं तो फिर हमारे कर्म का ही साथ है, तो क्यों उसी दूसरी को? वो हमारा कर्म पूरा करने के लिए निमित्त है। कोई हमको गाली देता है तो हमारा हिसाब है, तभी देता है, हर किसी को नहीं देता है। और जब यह अवेयरनेस आती है कि मैं आत्मा हूँ, उषा नहीं हूँ, तो उषा के नाम की गाली कितनी भी दे तो आपको क्या रहेगा, ज्ञान हाजिर रहेगा। क्योंकि किसी को गाली किसको देते है, उषा को देते है। मैं थोड़ी उषा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। उषा तो साइन है ये शरीर को पहचानने के लिए भी, बोर्ड मार्क लगाते हैं ना, सर पार्टी लगाते हैं, जैसे साइन बोर्ड है, मैं थोड़ी हूँ, तो अंदर असर नहीं होती है, सफरिंग नहीं आता है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को बुरा लगता है तो फिर हमको उसका और बुरा लगता है, फिर चलता है उसका मल्टीप्लिकेशन, बढ़ता जाता है। यह सब रिएक्शंस हमारी ओर से बंद हो जाते हैं, नो रिएक्शंस, क्योंकि वो तो बढ़ाने की बात है। बाय चांस हमारे से किसी को दुख होगी कि हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं कि किसी को दुख दे किंचित मात्र, फिर भी अगर किसी को हमारे से दुख हो गया तो हमारी तैयारी है उसके लिए, पश्चाताप करके माफी मांगने के लिए, छूटने की तैयारी है। क्योंकि हमें अभी बढ़ाना नहीं है, संसार को समेट लेना है, पूरा करना है। इसलिए बहुत बढ़ा दिए, सब गठरी बांधो, अनंत काल से भी इस बढ़ाते गए हैं। अभी थोड़ी सी सुध बुध आए तो फिर सवार हो, अब नहीं आएगी तो कब आएगी सुध। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बातें कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। तो दोस्तों, प्रार्थना करने की कोई जरूरत है? भगवान तो सर्वज्ञ है और वो तो हमारी सारी तकलीफ जानते हैं, तो क्या मांगना जरूरी है? चलिए सुनते हैं ये सारी बातें विस्तार से हमारे आत्मज्ञानी से। जब हमारे कोई प्रिय मृत्यु छाया पर हुए तब हमें क्या विधि करना चाहिए ताकि उनका आगे वाला भव सुधरे? तत्काल मृत्यु पाए स्वजन व्यक्ति के लिए क्या विधि करें? एक तो जो मृत्यु शया पर है तो हमें उसको, उनको शुद्धात्मा समंदर स्वामी दादा भगवान, हमें तो दादाजी का परिचय है तो हम दादा भगवान के असीम जय जयकार बुलाते हैं, समंदर स्वामी की प्रार्थना कराते हैं कि हे समंदर स्वामी, हमें आपका शरण दो, हमें शुद्धात्मा अनुभव सिवाय संसार की कोई विनाशी चीज़ नहीं चाहती है, मुझे आपके शरण में दूसरा भव प्राप्त हो जाए ऐसी कृपा करो, मुझे मोक्ष गति प्राप्त हो जाए ऐसी कृपा करो, मेरे मन वचन काया कर्मों माया मैं आपके शरणों में अर्पण करता हूँ, सिमंदर स्वामी के असीम जय जयकार हो, दादा भगवान के असीम जय जयकार हो, ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं। मतलब ज्ञान नहीं लिया है जिसने? हाँ, तो भी कर सकते है, तो उसको तो मतलब थोड़ा कम असर होता है ना? नहीं नहीं, असर तो मरने के टाइम यानी क्या है, डूब रहा है आदमी, उसको लकड़ा जो भी दिया वो पकड़ लेगा, वो जला हुआ लकड़ा है या शीशम का है, कोई भी पकड़ लेगा वो, उसको कोई भी आधार देने की जरूरत, बहुत अच्छा अवसर रहता है, मोह पूरा पिघल गया रहता है, कभी संसार में मेरा कोई आधार नहीं, तो हे बोलो उनके पास बुलाएंगे कि हे सिमंदर स्वामी मुझे आपका शरण दो, तो बोलेगा तो उसकी सही हो गई, तो अवतार सुधर जाएगा उसका। नहीं, पर कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि वो सिमंदर स्वामी का उसने नाम ही नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं, जो भी वो बोलेगा उसको समझने का टाइम ही नहीं उसके पास, अभी जाने का टाइम हो गया। हाँ, समझाने का टाइम नहीं उसके पास में। उसको आप घर वाले समझ लो, दो चार दिन है,
और दो चार महीने भी है ऐसे, तो आप घर वाले कोई ना कोई दादाजी का ज्ञान लिया होगा, तो ऐसे कोई आदमी उसको बोले ये दादा भगवान है, इनको आत्मा का ज्ञान हुआ था, ऐसे मंदिर स्वामी है, केवल ज्ञानी है, ऐसे कुछ भी समझाए तो बोलेगा हाँ जो भी करना है जल्दी बोलो, हमको क्या करना है, बोलो दादा भगवान के ऐसे बोलेगा वो, क्योंकि वो अभी डूबी रहा है, जो लकड़ा एक लकड़ी दिया तो पकड़ लेगा वो, समझ में आता है। और नहीं समझे या समझे फिर भी भीतर में बोलने से खुद की आत्मा की भक्ति हुई और आत्मा की भक्ति से उसकी ऊर्ध्व गति हो जाएगी, उसकी गारंटी। और ऐसा उसको समझ में आ गया कि मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इनके पास से मुझे हो जाएगा, तो दूसरे लाइफ में आत्मा का ज्ञान की लिंक मिल जाएगी उसको, तत्काल मृत्यु पाए स्वजन व्यक्ति के। और ये आदमी जो है मृत्यु शया पे, उसको एक और काम कराना चाहिए कि जीवन में जितनी व्यक्तियों के साथ राग द्वेष मोह हुए सबकी माफ़ी मांगते रहो, हे भगवान जो भी इष्ट देव है, नहीं तो दादा भगवान बोलो, हे शुद्धात्मा भगवान हमारे जीवन में राग से द्वेष से मोह से क्रोध से लोभ से बहुत लोगों को मैंने ये इस प्रकार दुख दिए, सबकी माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे अभी ऐसी गलतियाँ नहीं करने की शक्ति दो, ऐसे भाव से प्रतिक्रमण किया तो भाव बहुत सुधर जाता है। तो लास्ट एक घंटा तो इतना इम्पोर्टेंट है कि सारी जीवन का बैलेंस शीट आती है, और उसी टाइम में ऐसी बात मिल गई तो बहुत सारा चेंज हो जाएगा, उसका भाव सुधर जाएगा। तत्काल मृत्यु पाए स्वजन व्यक्ति के लिए क्या विधि करे जिससे उनके तथा हमारे ऋणानुबंध पूर्ण हो और दिगवंत शांति और सदगति पाए। उसके लिए अभी देह छोड़ दिया तो उनको ऐसे बोलना चाहिए कि हे देहधारी भाई साहब के मन वचन काया कर्म माया से मुक्त ऐसे शुद्धात्मा भगवान अब जहाँ हो वहाँ सुख और शांति पाओ, समंदर स्वामी भगवान का शरण प्राप्त करो और मोक्ष गति पाओ, और हमारे आपके साथ हमारे आपके मन वचन काया प्रति हमारे मन वचन काया से जो भी राग द्वेष मोह दोष हुए सबके हृदय से क्षमा चाहते हैं, मुझे क्षमा करो और हमें मुक्त करो, आप भी मुक्त हो जाओ, हम आपको हमारे राग द्वेष से मुक्त करते हैं, आप भी हमें मुक्त करो, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं जी। और उसे ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा, शांति वाइब्रेशन पहुँचते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। दोस्तों कभी कभी लगता है कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, क्या उसकी भी कोई रीत है, क्या सच्चे दिल से की गई प्रार्थना का फल हमें मिलता है, तो इस प्रार्थना में भाव का कितना इम्पोर्टेंस है, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। दीपक भाई आज जो सुबह में सामयिक हुआ तो उसके बाद में ऐसा होता है कि जितने भी सामने वाले के दोस्त नज़र में आते हैं फिर उस ऐसा होता है कि उसके ऊपर करुणा रखनी चाहिए, फिर ऐसा होता है कि ये कभी भी ना मिले जन्म में, ऐसा नहीं करने, इसके लिए प्रार्थना हमने बताया प्रार्थना करो, करुणा वाले की बात आगे की स्टेज है, ये बुद्धि जब खत्म हो जाएगी तब करुणा प्रकट होगी। अच्छा अभी तो दखल हो जाती है, देखो बुद्धि ने दिखाया ना हाँ। कोई जन्म में नहीं मिला, कितना द्वेष बताया, और उसके आत्मा को भी कोई जन्म में नहीं मिलना चाहिए ऐसा हो गया ना हाँ। तो वही हमारा ही आत्मा को हमने कोई जन्म में न मिले ऐसे भावना की, हमारा ही अंतराय हमने खड़े किए, ऐसे नहीं करना, हम भावना करनी है, फाइल है संभाव से निकाल करना है, हमें हिसाब पूरा करके छूट जाना है बस, वो न मिले मिले हम ऐसी भावना नहीं करना चाहते, हमें हिसाब पूरा करना है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। दोस्तों आज हमने जाना तन मन धन की प्योरिटी हो और साफ दिल से प्रार्थना करो तो जरूर से फल देती है, असर करती है और नियति की प्रवाह को भी बदल सकती है। तो चलिए विश्व में सुख और शांति के लिए हम भी प्रार्थना करें। नई दृष्टि नई राह, अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाएं 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप प्रेइंग। जय सच्चिदानंद।